नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव ने भेजा है गुप्त संदेश। अब आप सभी के जीवन में मित्रों आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाली 24 घंटे में शनिदेव सूर्य के साथ युति बनाने जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आपकी राशि को होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में चल रहे कष्ट परेशानियां पूर्ण रूप से समाप्त हो सकते हैं। बस आपको सावधानियां रखें और शनिदेव के कुछ विशेष उपाय करें। जी हां दोस्तों, और इसी का फायदा आपको आने वाले 21 दिनों तक रहने वाला है, यानी इन 21 दिनों में आप जितना चाहे उतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से वह खास उपाय हैं जो करने होंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता कौन सी को भयंकर गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी इन 21 दिनों में नहीं करनी है, वरना होगा आपका महाविनाश। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि आपकी राशि में शनि इस समय फ्री हैं और आपके ऊपर शनि की सीधी नजर है। इस समय यदि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव नहीं करते हैं, आप सावधानी पूर्वक अपना जीवन नहीं जीते हैं, तो शनिदेव आपसे कुपित हो सकती हैं और आपको यह झात होना चाहिए कि इस कलयुग में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता जो कर्मों का फल अवश्य ही देते हैं, तुरंत देते हैं, माफी नहीं देते हैं। फिर आप बाद में कितनी ही पूजा पाठ करें, आपको माफी नहीं मिलेगी। आपको अपने कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा, इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। पूरे वीडियो के एक एक भाग को ध्यान से सुनना है और समझना है। इस वीडियो में इस विषय को बहुत ही गहराई से बताया गया है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कुछ ऐसी साधारण उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे इस शनिदेव को खुश करने के लिए की जाने वाली पूजा पाठ में भी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोग कर जाती हैं, जिससे भी शनिदेव जाने अनजाने में ही उनसे कुपित हो जाते हैं और उन्हें शनिदेव की पूजा पाठ का सही फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बनी रही हमारे साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भवानी लिखना ना भूलें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को हम यह बात बताना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही छानबीन करके महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए बनकर सामने रखते हैं, और इसके लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही हमारा प्रार्थना है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आपका जीवन भी सुंदर और सरल हो जाएगा। माता भवानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, व्यापार में परेशानी है, रुपए पैसे को लेकर खास तौर से आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, व्यापार धंधे में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं और जीवन काल में बड़ी उठापटक मची हुई है। लेकिन आप यदि धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव करते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे बदलाव का लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। दोस्त, हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको हर एक विषय पर गहरा ज्ञान देने की कोशिश करती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी अपनी अलग समस्याएं होती हैं। किसी के ऊपर ग्रहों का प्रकोप होता है तो किसी के ऊपर ऊपरी हवा, या यूं कहें कि भूत प्रेत का साया भी होता है। दोस्त, आप माने या ना माने, लेकिन इस संसार में सब कुछ संभव है। जी हां दोस्तों, यदि सकारात्मक ऊर्जा है तो उसके ऑपोजिट नकारात्मक ऊर्जा भी अवश्य ही होती है। तो यदि आप नकारात्मक ऊर्जा को अनदेखा करेंगे तब भी उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा ही। इससे बेहतर यह है कि हमें अपने विचारों को और खोलना चाहिए और हर एक विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने जीवन में बदलाव करते रहना चाहिए। तो दोस्त, इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे में
आपके जीवन काल में बड़े परिवर्तनों की शुरुआत हो सकती है और इन परिवर्तनों की सबसे पहली शुरुआत होगी। आपकी धन दौलत को यानी रुपए पैसे की दिक्कतों को दूर होने से यह दोस्तों यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन यह इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि शनिदेव के प्रभाव में चल रही है और शनिदेव को बहुत ही क्रूर देव माना जाता है या ग्रह माना जाता है। लोग तो शनिदेव के नाम से बहुत डरते हैं, जिनके ऊपर भी शनि की साढ़े साती या ढैया लग जाती है उनका जीवन नर्क के समान बन जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि आप सात्विक जीवन जीते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं और अपने हर एक कर्म को पूर्ण रूप से आकलन करते हुए सत्य का जीवन जीते हैं, तो शनिदेव आपको भरपूर लाभ देंगे। जी हां दोस्तों, शनिदेव अविनाश नहीं लाते हैं, शनि देओल किसी भी रंग को राजा भी बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं या यूं कहें कि ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति की आजीविका, धन दौलत, रोग, प्लेस और संघर्ष हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। यदि शनिदेव आपके पक्ष में हो जाएं, तो आपकी हर एक संघर्ष को कम किया जा सकता है या यूं कहें कि समाप्त किया जा सकता है। आपको बड़ी ही आसानी से अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा पाठ का फल लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। हम आज पूजा शुरू करें, कल से ही हमें उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो शनिदेव को कर्म का देवता, न्याय का देवता कहा जाता है। अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि शनिदेव की पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले समय में यानी कि लगभग 21 दिनों तक आपके ऊपर शनिदेव की कृपा रहने वाली है या यूं कहें कि नजर रहने वाली है। तो आपको जो भी हम उपाय बताएंगे या जो भी प्रक्रिया बताएंगे, उसी आप शनिवार के दिन से शुरू करके 21 दिनों तक ले जा सकते हैं। आपको इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, हैं तो अब ध्यान से सुनिए कि शनिदेव की पूजा करने में लोग अक्सर क्या गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहली गलती लोग यह करते हैं, इस शनिदेव की पूजा शनिदेव की मूर्ति के सामने करने लगते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव ऐसे देवता हैं जिनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। शनिदेव का सबसे शुद्ध स्वरूप जिला स्वरूप को माना गया है कि यदि किसी मंदिर में शनिदेव की लीला स्वरूप की मूर्ति है, तभी उसकी पूजा करें। यदि सरकारों के द्वारा बनाई गई मूर्ति है, तो उसकी पूजा ना करें, यानी उस मूर्ति के सामने आपको पूजा नहीं करनी है। दूसरी गलती ये रहती है कि शनिदेव की मूर्ति पर लोग अक्सर सरसों के तेल को उड़ेल दिया करते हैं, जो कि तेल सीधा बर्बाद हो जाता है, जमीन पर चला जाता है। शनिदेव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनिदेव को केवल सरसों के तेल का दीपक जलाना पसंद है, सरसों के तेल से नहाना पसंद नहीं है। जी हां दोस्तों, तो आपको यह गलती नहीं करनी है, सरसों के तेल की बर्बादी नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों की, जब तक आप शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं, तब तक आपको अपने आचरण बेहद पवित्र और शुद्ध रखने चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको किसी के साथ भी मिलावटी बर्ताव नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई व्यसन आदि पालना है। कहने का मतलब है कि आपको यदि किसी प्रकार की लत है, जैसे जुआ शराब या तंबाकू या सिगरेट वगैरह की, तो आप हो उसे, जब तक आप शनिदेव की पूजा करते हैं, तब तक उसे आपको त्याग देना चाहिए। अब यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आपकी वास्तु शनिदेव का कोई मंदिर ही नहीं है, या फिर मंदिर है, अभी तो उसमें तो शनिदेव की मूर्ति लगी है, शिला स्वरूप तो है ही नहीं, तो आप कैसे पूजा करेंगे, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो ऐसी स्थिति में आपको शमी के पौधे को अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, शमी के पौधे को शनिदेव का प्रतीक माना गया है। यदि आप शमी के पौधे के सामने पूजा पाठ करती हैं, तो वह पूजा पाठ में शनिदेव स्वीकार कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, और याद रखिए दोस्तों, यदि आपको अपने घर में शमी का पौधा लगाना ही है, तो उसे खुले वातावरण में लगाएं और अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। यह भी हद
शुभ फलदायक होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको शनिदेव की पूजा आराधना कैसे करनी है। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक रहेगा कि शनिदेव की पूजा शाम के वक्त ही सर्वोत्तम होती है, यानी आप दिन में या सुबह के समय शनिदेव की पूजा नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि शनिदेव को छाया का पुत्र माना गया है, इसलिए शनिदेव को सायंकाल की पूजा अत्यधिक प्रिय है। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप शनिदेव की पूजा करने बैठे हैं तो पहले आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी होगी। जी हां दोस्तों, अब आप संपूर्ण पूजा विधि को ध्यान से समझें। यदि आप शनिदेव की पूजा करने बैठ रहे हैं तो आपका आसन नीले रंग का होना चाहिए, आपके वस्त्र नीले रंग के होने चाहिए और जो फूल आप शनिदेव को अर्पित करने जा रहे हैं वह भी नीले रंग के होने चाहिए। जी हां दोस्तों, और जब आप शनिदेव के लिए दीपक चलाएंगे तो वह सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए, और जब आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो मंत्रों का उच्चारण करने के बाद यानी आपकी पूजा समाप्त होने के बाद भी दीपक जलते रहना चाहिए। बीच में ही दीपक का बुझ जाना बेहद शुभ माना जाता है। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है कि समिति को सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है, आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है, तो मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः मंत्र। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। दोस्तों, आपको इस मंत्र की कम से कम एक माला जाप रोज करनी है। दोस्त, जब भी आप पूजा अपनी शुरुआत करें तो पहले ओम नमः शिवाय एंड भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र को एक माला जाप करें, उसके बाद शनिदेव की इस मंत्र की एक माला जाप करें। आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना बेहद आवश्यक है, बिना भोलेनाथ की पूजा के शनिदेव अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। अब कुछ खास बातें और भी हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। जब तक आप यह प्रक्रिया करेंगे यानी 21 दिनों तक, आपको रोज सुबह सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर, सूर्योदय किस, आपको सूर्य को अर्घ देना भी आवश्यक है। जी हां दोस्तों, और याद रखें कि जब भी आप सूर्य को अर्घ दें तो उस जल में कुछ मीठा यानी थोड़ी शक्कर या मिश्री अवश्य मिला लें, और सूर्य को अर्घ देते समय सूर्य का साधारण सा मंत्र ओम सूर्याय नमः, इसका भी 11 बार जाप कर लें। इससे आपको सूर्य की कृपा भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य को सभी ग्रहों का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो आपको सूर्य की कृपा पाने की भी बहुत आवश्यकता रहेगी। आने वाले 21 दिनों तक आप इस उपाय को करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ही अपने जीवन में बहुत बड़ी बदलाव महसूस होगी, आपकी हर एक समस्या कट जाएगी। अब आपको ध्यान देना है कि कुछ सावधानियां भी हैं जो इस समय आपको करनी होंगी। आपको जितना हो सके उतना सात्विक आहार लेना होगा, यानी आपको मांस मदिरा और लहसुन प्याज आदि के सेवन से दूर रहना होगा। 21 दिनों तक अगर हो सके तो जमीन पर ही शयन करें, और हो सके तो ब्रह्मचारी का भी पालन करें। व्हाट्सएप से महत्वपूर्ण बात है कि इन 21 दिनों में आप किसी भी प्रकार का बासी भोजन नहीं करेंगे और रखे हुए आटे से बनी हुई रोटियां भी नहीं खाएंगे, यदि आप इन सावधानियों को रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हो सके तो किसी कुत्ते को सरसों के तेल से जुड़ी हुई रोटी गुड़ के साथ खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो आने वाली ग्रह दशा के अनुसार आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। ये ग्रह दशा आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। दोस्तों, यदि हम लापरवाही से जीवन जी है, किसी भी चीज में विश्वास ना करें, तो हमारे जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आते हैं। जीवन जियो का त्यों बना रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं, धीरे धीरे उनका जीवन बदलता चला जाता है और एक दिन उनका जीवन बहुत ही स्वर्णिम हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि इनका तो भाग ही अच्छा है, किस्मत अच्छी है। दोस्तों, हमें अब किस्मत और अपना भाग्य खुद बनाना होता है। भगवान हमारा साथ देने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, वह तो हम ही हैं जो उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं और अपने आचरण में कुछ बदलाव नहीं ला पाते हैं। जी हां दोस्तों, कोई भी इंसान इस संसार में संपूर्ण नहीं होता है, उसे अपने जीवन को संपूर्ण बनाना होता है, अपने आप को संपूर्ण बनाना होता है।
इसके लिए प्रयास आवश्यक हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपसे उम्मीद ऐसी करेंगे कि आप इस वीडियो में बताएं कि जानकारी का कुछ लाभ अवश्य ले पाएंगे और अपने जीवन में कुछ सुधार अवश्य कर पाएंगे। दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से चमक आ जाए, आपका जीवन आगे बढ़ जाए। कि हम जानते हैं कि आप बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, आपके प्रयास निष्फल होते चले जा रहे हैं, तो आपको भी अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करना होगा और अपने आराध्य देव पर भी पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के बिना भरोसे की तो जीवन अभी नहीं है। पर इंसान इस संसार में संपूर्ण नहीं है, उसे किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है। इसलिए हम दोस्तों आपसे चाहेंगे कि आप माता भवानी की शरण में चले जाएं और सबको छोड़ के ऊपर छोड़ दें और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करें। माता आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद, आपका शुभ हो।